साथियों नमस्कार, मैं हूँ इस समय बाग के अंदर, मैं विजय सिंह और मेरे साथ है प्रतीक और हम हैं इस समय किन्नू के बाग के अंदर। और ये देखिए, घूम के दिखा देता हूँ मैं, और पीछे से इस मेरे सूरज पर दिखाई दे रहा है, एकदम तेज तिरछी धूप है और ये पूरा बाग है। तो इसी बाग में आज देखते हैं सिंचाई कैसे करते हैं, सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन से हो रही है तो उसको कैसे शुरुआत करते हैं, ये देखते हैं किस तरीके से शुरू होगी, क्या क्या चीज़ें करनी होगी हमें, उससे पहले क्या पहले से तैयारी करनी होगी। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी यहाँ पे आप एक रोटावेटर हुए देख रहे हो पीछे, ये देखिए कल ही ताज़ा रोटावेटर इसमें लगाए हैं। और रोटावेटर के बाद जो है यहाँ हरी खाद थी पहले जो मिल गई, जंतर मंतर, जैसे कि जंतर मंतर के कुछ पौधे यहाँ दिखाई दे जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये रहे मेरे पीछे कुछ पौधे जो अभी भी है, ये देखिए ये रहे, ये जंतर मंतर है। ये इतने बड़े बड़े पौधे हो गए थे, इसकी तो फलियाँ भी लग गई थी, ये देखिए। तो सबको रोटावेटर करके जो अच्छे से ज़मीन में मिला दिया, और ये देखिए उसके छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल्स है। तो अब हम जो है आज इसमें सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ें हमें देखनी होगी। तो ये जो बाग है कई हिस्सों में, 6 हिस्सों में बंटा हुआ है। तो हम इसमें सिर्फ 2 हिस्सों के अंदर, जिसके जो 2 पार्ट हैं उन्हीं के अंदर सिर्फ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को शुरू करेंगे। और तो उसी के लिए मैं चलता जा रहा हूँ, आगे की ओर जाता जा रहा हूँ। आगे चल के इसके कुछ वाल्व लगे होंगे, जो 6 वाल्व लगे हुए हैं, तेज धूप है ऊपर से। तो हमें 6 के 6 वाल्व सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे, और ये देखना होगा कि उनमें से 4 वाल्व जो है ऑफ की पोजीशन में हो, और एक वाल्व जो है, सॉरी 2 जो वाल्व है वो ऑन की पोजीशन में हो। जो 2 ऑन की पोजीशन में होंगे उन्हीं वाल्व, उन्हीं एरिया के अंदर जो है बाग के उतने एरिया के अंदर ड्रिप इरिगेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है बाग के अंदर वो बहुत दूर है, एक नीलगाय भी आ चुकी है, तो ये भी काफ़ी ख़राब करी, और वो देखो भाग चुकी है यहाँ से, लगभग 3 बीघा दूर एक नीलगाय दिखाई दे रही है, वो निकल गई। तो जिसको रोज बोल देते हैं, रोज देसी भाषा में नीलगाय। सो यहाँ मुझे एक सांप की लकीर या जहाँ से सांप गुजरा वो भी दिखाई दे रही है, वो मैं दिखाता हूँ करके, ये देखिए ये रही, ये ऐसे 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 करके ऐसे ये गुजरा हुआ सांप, उधर से आया और इस साइड इस पौधे की ओर गया है। पौधे के नीचे भी मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है कि हमने जो है गर्मी के टाइम के अंदर जो चावल की पुआल होती है उसको नीचे बिछाया था, तो हो सकता है उस पुआल के नीचे जो हुआ आराम कर रहा हो, इस साइड में चला गया है सांप। चलो आगे चलते हैं हम, और हम बाल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमें बाल मिल गया है, और भाई मिल गया है इस पौधे के पास में जो है ये वाल्व है, ये देखिए बहुत लंबा दूर तक बाग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो वाल्व है, तो ये रहा वाल्व, यहाँ सबसे पहले इस एरिया में मुझे चलाना है, ये वाल्व मिल गया मुझे, 2 वाल्व यहाँ मिल गए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। तो जो एक उधर का वाल्व है वो है ऑफ की पोजीशन में, और इधर का जो है वह है ऑन की पोजीशन में। तो ये ऑन है, तो इस साइड में लगभग 2 बीघा के करीब इधर जो है इस वाल्व से कवर होगा। तो इस वाल्व को ऑन है, तो इसे हमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी साइड में हमें सिंचाई करनी है, और उस साइड में भी सिंचाई करनी है। तो उस साइड का वाल्व ये है, तो इसको हमें ऑन करना होगा। तो प्रतीक इसे ऑन कर दो, और हाँ प्रतीक देखिए घुमा रहा है और घुमा कर ऑन कर देगा, वाह। अब ये ऑन पोजिशन में हो चुका है,
अब ये देखिए ये भी सीधी पोजीशन में, ये भी सीधी पोजीशन, यहाँ ऑन है। तब जो भी पानी आएगा यहाँ से आएगा और कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा और फिर आगे प्रत्येक पौधे के पास चला जाएगा, हर एक पौधे के पास सुनिश्चित हो जाएगा कि हर एक पौधे को पानी मिल रहा है। ये इस साइड में भी पानी जाएगा और दूसरा इस साइड में पानी जाएगा, दोनों साइडों में बाग में पानी जाएगा। अभी हमें दो बाल हमें मिल चुके हैं, दो के अलावा हमारे पास चार बाल्ब और है जो आइडेंटिफाई हमें करने होंगे। सो चलते हैं उन चार बाल्ब के पास। अभी ये वाला हमें मिल गया तो इसी के सामने बिल्कुल सीध में, और उधर वो फिर नील गाय दिखाई दे रही है, तो हमें वहीं पे जाना है। चलो प्रतीक चलते हैं। तो आगे दो बाल्ब आएंगे और फिर आगे जो दो बाल्ब आएंगे, तो चलो चलते हैं। जमीन जो है बहुत भुरभुरी हो चुकी है रोटावेटर लगाने के बाद में। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ जंतर मंत्र था और उसके जो है भूमि मिला दिया है जंतर मंत्र को, तो चलने में काफी कठिनाई हो रही है। नील गाय भी निकल चुकी है आगे हमारे से। और हमें जो है दूसरा वाल भी मिल गया, दूसरा वाल प्रतीक को मिल गया है। और देखो प्रतीक जो है इसे इस पौधे के नीचे है वाल, देखिए प्रतीक इसे ऑफ कर रहा है, ये हटा के दिखा दो, दिखाई दे रहा है। यहाँ तो एक किन्नू भी दिख गया है भाई भाई भाई, आपको दिखाई दे रहा, अभी कच्चा है किन्नू, ये किन्नू है। और ये देखिए ये वाल्व है, ये ऑफ की कंडीशन में, थोड़ा ठीक से कर दो इसे, ठीक है। और ये एक वाल्व है, देखिए इसे भी हमने ऑफ की पोजीशन में कर दिया, ठीक है आ जाओ। तो प्रतीक ने दोनों वाल्व को ऑफ की पोजीशन में कर दिया, अब हमें चार वाल्व मिल गए हैं। अब हमें दो वाल्व और ढूंढने हैं, वो कहाँ मिलेंगे प्रतीक? आगे। चलो तो उसके बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि बाग के किस हिस्से में पानी चलेगा और किस हिस्से में पानी नहीं चलेगा। चलता जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं तीसरे वाल्व, मतलब चार वाल्व हमें आइडेंटिफाई कर लिए, एक ही साथ दो वाल्व लगे, फिर एक साथ दो वाल्व लगे थे, अब भी एक साथ ही दो वाल्व लगे होंगे। यह नील गाय थी, ये रहे प्रतीक, आपको नहीं मिले मुझे मिले, इसी पौधे के नीचे है, इसी पौधे के नीचे। तो प्रतीक जो है नीचे जा करके ये सुचारू कर दो, ऑफ की पोजीशन में है, सुनिश्चित कर लो दोनों ऑफ है। यहाँ भी नीचे किन्नू लटक रहे हैं, उधर एक लटक रहा है ना, छोटे छोटे, ठीक है ठीक है ओके। तो ये वाल भी दोनों मिल गए हमें, तो चार वाल हमने, चार वाल है जो ऑफ की पोजीशन में कर दिए और दो वाल जो है ऑन की पोजीशन में कर दिए, सुनिश्चित हो गया कि अब पानी कहाँ चलेगा। अब हमें थोड़ा सा नील गाय की ओर नज़र दौड़ाना होगा, कहाँ चलेगी नील गाय? लगा 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 लगा, एक मिनट सुचारू रखना। तो हम देखते हैं कहाँ है नील गाय। सो नील गाय वो भाग गई है हमें देख के, वो देखिए पीछे पीछे से नील गाय दिखाई दे रही है, वो जा रही है तो वहाँ से ऐसे ऐसे दोनों पौधों के बीच से भागी है और वहाँ से ऐसे तारबंदी के ऊपर से निकल गई। एक्चुअली क्या कि ये पशु जो है पालतू पशु होता नहीं तो मनुष्यों को देखते ही भाग जाता है, और ये भाग चुका है, यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ एक पौधा मैं आपको अमरूद का भी दिखा सकता हूँ, ये था मेरा अमरूद का एक पौधा, इसमें मैंने कुछ पौधे यहाँ लगाए थे, ये बिल्कुल बाहर की साइड में ठीक ठाक अच्छा खड़ा है। चलिए आइए, अब हमारा सुनिश्चित हो चुका है, सबसे पहले यही सुनिश्चित करना होता है ड्रिप सिस्टम में कि
वाल्व की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। वाल्व की पोजीशन सुनिश्चित हो गई है और अब हम चलते हैं मेन जो सिस्टम की ओर, जहाँ पे हमारी सोलर पैनल लगा हुआ है, जहाँ पे हमारी मोटर है, सबमर्सिबल मोटर है, हाँ, जहाँ पे जो है बहुत बड़ा डिग्गी बनी हुई है, वहीं पे हम चलते हैं, जहाँ से जो मेन वाल्व होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहीं पे चलते हैं। तो मैं उस सिस्टम के पास में आ गया हूँ और भाई वो देखिए, मैं दिखा देता हूँ, वो पीछे दिखाई दे रहा, वो सोलर सिस्टम है वहाँ पे और उस साइड में VFD है, वहीं से हम ऑपरेट करेंगे। और इसके इस साइड में जो है फिल्टर लगे हुए हैं, MGF फिल्टर है। तो चलता हूँ पास में। तो बस सामने का व्यू दिखा देता हूँ, सामने देखिए वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, चलते हैं वहीं पे। मिट्टी में पैर बहुत गहरे अंदर तक जा रहे हैं। तो यहाँ प्रतीक आगे इंतजार कर रहे हैं। वाह, प्रतीक पहुंच चुका है भाई हमारे यहाँ पे। हाय प्रतीक। तो ये हम सोलर सिस्टम के पास पहुंच चुके हैं, ये हमारा मल्टीग्रेड फिल्टर है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहीं से ऑपरेट करेंगे और इससे पहले मैं ले चलता हूँ आपको, ये हमारा सोलर पैनल लगे हुए हैं 5 किलोवाट के। तो उससे पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पे क्या स्थिति है। देखिए देखिए देखिए, तो अब आ गया हूँ मैं VFD के पास। ये है VFD और ये इसका लॉकिंग सिस्टम, इसकी की है जो कि इसके अंदर लगेगी। चलो खोलो इसे और यहीं से हम ऑपरेट करेंगे सोलर सिस्टम को, VFD को, हमारी मोटर को। और ये जो है यहाँ VFD लगी हुई है 5 HP की, और अब हम जो है इसे ऑन करेंगे। ये स्विच है जो हमारा ऑन की पोजीशन में आ गया, मेन स्विच है। और इसके बाद इस VFD को ऑन करना है, सुचारू एक टाइप स्टार्टर जिससे हमारी मोटर चले। तो हमने इसे ऑन कर दिया और हमारी VFD स्टार्ट हो गई है। देखिए इस पर कुछ डिजिट्स लिखे आ रहे हैं और ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं और कर दो इसे हम क्लोज कर दें। और तब तक हम चलते हैं एक दूसरी ओर, जहाँ से हम फिल्टर की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम बहुत कुछ मैनेज करना होगा हमें। मेन वाल प्लेटों के नीचे से होकर निकलते हैं और मोटर ने जो पानी उठा लिया है, सबमर्सिबल है, अब आ जा रही है साथ साथ। यहाँ हमारा MGF फिल्टर है, यहीं से पानी जो है इस साइड जा रहा है, साइड जा रही है, वाल्व है ये ओपन है और यहाँ से MGF फिल्टर में जा रहा है। और MGF फिल्टर के बाद ये नीचे जा रहा है और इसमें से छन जाता है, पानी साफ हो जाता है एकदम। साफ होने के बाद यहाँ पे जाता है, यहाँ से ये वाल्व ऑन कर दिया मैंने, मेन वाल्व ये है। और इसके बाद इधर जाता है, ये एयर वाल्व है यहाँ पे लगा हुआ, और एयर वाल्व के बाद ये एक सिर्फ माइक्रो फिल्टर लगा हुआ है, जो बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं उनको जो है रोकता है। और इसके बाद ये वहीं पे चला जाता है आगे का पानी, जहाँ से हमने वाल्व जो है बंद और क्लोज किए थे, बंद और चालू जो किए थे, वहीं से वहीं तक पानी चला जाएगा। यानी हमारे जो दो वाल्व हमने शुरुआत शुरू किए थे, सिर्फ वहीं पर पानी जाएगा, बाकी सब चारों बंद है, तो वहाँ से पानी आगे नहीं निकलेगा। तो पानी स्टार्ट हो चुका है और यहीं पे मीटर है, प्रेशर मीटर, एक के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है, बहुत कम है, इसे बढ़ाना होगा।
और एक मीटर पंचम मशीन के लिए यहाँ भी है। इसमें भी लगभग एक से थोड़ा ज़्यादा कचरा है। तो हमारे भी यहाँ बहुत सारा वाटर निकल रहा है, तो हमें आगे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको हम थोड़ा कम करेंगे। जैसे जैसे हम बंद करेंगे इसे, बहुत थोड़ा सा ही पानी यहाँ से निकल देंगे, तो पूरा पानी अब जो है आगे जा रहा है। अभी देखते हैं कि हमारा प्रेशर बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये डेड पे पहुंच गया है, बिल्कुल ठीक है, ये देखिए, और प्रेशर ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और ओके फाइन, तो इस तरीके से हमने जो है सुचारू किया ड्रिप इरिगेशन। अब हम चलते हैं उन एक एक पौधों के पास जहाँ पानी निकल रहा है, और वहाँ देखते हैं किस तरीके से सिंचाई हो रही है। प्रत्येक पौधे के पास में एक पाइप लगा और उसके ऊपर ड्रिपर्स है, पांच पांच छः छः, उन्हीं से जो है पानी जो बाहर निकल रहा है और पौधे को मिल रहा है, बिल्कुल बूंद बूंद सिंचाई से। जैसे ये देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है, और यहाँ पे ये देखिए निकल रहा है। ये एक पाइप है जो इस हर पौधे के चारों ओर निकली हुई है, और इसी पाइप पर ये देखिए ड्रिपर लगा हुआ है, और ड्रिपर से जो है वाटर निकल रहा है, आप देख रहे हो। ऐसे ये ड्रिपर है, इस पर लगा हुआ ऐसे पांच पांच छह छह ड्रिपर यहाँ पे लगे हुए हैं इस प्रत्येक पाइप के गोले में, यानी एक पौधे के पांच या छह ड्रिपर है पानी दे रहे हैं इसे। अब यहाँ ये लगभग तीन चार घंटे तक जो है इसी तरीके से चलता रहेगा, और प्रत्येक पौधे के पास में सुचारू रूप से पांच से छह जगह पानी जो है निकल रहा है इसे ड्रिपर के थ्रू, और ये पूरे पौधे के चारों और पांचों ड्रिपर जो है फैले हुए हैं, और यानी कि समान पानी मिल रहा है, थोड़ा पानी यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा उस साइड में, इस तरीके से। तो पूरा संतुलित जो पानी एकदम मिल रहा है। आगे किसी और पौधे के पास चलते हैं। वैसे हमें एक एक पौधे के पास में घूम फिर के हमें देखना होगा, क्योंकि अभी कल ही रोटावेटर इसमें जब चलाया, तो हो सकता है कहीं से पाइप जो है वो कट गया हो, फट गया हो, हो सकता है एक आधे पौधे में, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, उसे दुरुस्त भी करना होगा। अभी मुझे एक पौधा दिखाई दिया, इसका पाइप मुझे लग रहा है कि कट गया है, तो दुरुस्त करना होगा। प्रतीक पहुँच चुका है, ये देखिए ये पाइप कटे, ऐसे तुरंत दुरुस्त करना होगा। चलो हटिए, एक मिनट, पानी ऊपर गिर गया, देखिए पानी निकल रहा है। ये पाइप है जब टूट गया, रोटावेटर से कट गया, उसे तुरंत दुरुस्त करना होगा। इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए इसे यहाँ से मोड़ दो, इसे जस्ट उधर से मोड़ दो, थोड़ा दूर से उधर से मोड़ो, ड्रिप के उधर से मोड़ो, और जो ड्रिप पर लगा है उसके वहाँ, हाँ यहाँ से, ओके। तो ये भी अस्थाई रूप से जो है पानी बहुत बह रहा है, इस अस्थाई रूप से हमने रोक लिया है, और अभी 5-10 मिनट में इसे जो है हमें इसमें सुधार करना होगा, पाइप को जोड़ना होगा जहाँ से ये कटी हुई है। तो ठीक है, अब इसी तरीके से एक एक पौधे को हमें देख लेना होगा, क्योंकि जब यहाँ कल रोटावेटर चलाया है तो एक आध पाइप थोड़ी बाहर को निकली है, तो वो कट गई है, जैसे ये उदाहरण है। और भी हो सकता है, एक एक पौधे को हमें सुनिश्चित जरूर करना होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे, इस पौधे को भी ठीक करना है, इस पौधे की जो ये ड्रिप इरिगेशन जो ख़राब होगी इसे भी ठीक करना है। हालांकि ये 2 मिनट का ही काम है, एक पौधा है, और अगर ऐसे भी 2-4 और पौधे हुए तो उन सबको ठीक करना होगा। तो चलिए करते हैं इनको दुरुस्त, बहुत ज़रूरी है इन्हें दुरुस्त करना। हमारी एक पाइप यहाँ भी निकल गई है, ये पाइप है जो निकली हुई है, इस तरीके से टूट गई है मेरी, इसका हिस्सा है, और दूसरा ये है जहाँ से पानी निकल रहा है, तेज़ तेज़ पानी बह रहा है, इसके आगे इस तरीके से जोड़ लगाना है, ये जोड़ लगा दिया है, और इसको
कुछ सेकंड में इसे रिपेयर कर देना है। प्रेशर खूब है, तेज है, तो पूरे दबाव से जोड़ लगेगा। और ये रिपेयर हो चुकी है, देखो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से रिपेयर कर दिया इसे। ये देखो ये जोड़ लग चुका है बीच में, और अब ये जो ड्रिपर है इनमें से पानी चल रहा है। देखिए कुछ हवा निकल रही है, और इसे हम वापस नीचे की पोजीशन में लिटा देते हैं। इस तरीके से एक पौधा पहले था इसे रिपेयर किया, एक पौधा ये है जिसकी ड्रिप खराब हो गई इसे रिपेयर किया, अब ये सुचारू हो चुकी है। हमें आइडेंटिफाई करते रहना होगा इसी तरीके से। जहाँ कहीं निकलाओ इस तरीके का वो लीकेज हो, लीकेज सिर्फ और सिर्फ रोटावेटर से पाइप के कटने की वजह से ही होगी, और कोई चारा नहीं है। बाकी सर पूरा सिस्टम दुरुस्त था एकदम पहले ही। ये देखिए ये पौधा भी ठीक हो गया, मैं पहले वाला पौधा दिखा रहा हूँ, ये था जहाँ से पानी काफ़ी बह गया। देखो इसका जो ड्रिप सिस्टम जो है अब सही चल रहा है। ये देखिए ये वही टुकड़ा है, ये देखिए एकदम ठीक चल रहा है, इससे पानी निकल रहा है और इससे भी जो है पानी निकल रहा है, दुरुस्त कर दिया इसे भी। चलो आगे चलते हैं और भी देखते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं। बस इसी तरीके से हमें एक एक के पास जाके जो है देखना होगा, इसे आइडेंटिफाई करना होगा। ओह, और ये देखिए आगे वो वाल्व आ गया जिसे हमने ऑन की पोजीशन में किया, लेकिन यहाँ भी हल्का लीकेज दिखाई दे रहा है, पहले नहीं था अभी हुआ, कुछ हवा के साथ में हो गया होगा। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का बौछार निकल रही है इसमें से पानी की, और देखिए चलिए इसे बाद में दुरुस्त करेंगे, अभी इसे नहीं कर सकते, एक बड़ा काम है। पानी जो इसका हल्का हल्का बछार के रूप में इधर फैल रहा है, ये देखिए यहाँ फैल रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम इसे के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख देंगे, ताकि इसका पानी यहीं पे पौधे को मिलता रहे जो भी लीकेज हो रहा है, और यूटिलाइज हो जाए। जैसे बंद होगा उसके बाद इसे रिपेयर करना होगा। तो एक एक पौधे को इस तरीके से हमें देखना होगा निश्चित रूप से, नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे अभी हमारे दो पौधे पीछे आइडेंटिफाई हुए, तो उनमें क्या है कि पानी निकलता रहेगा, और इससे क्या प्रेशर जो मेंटेन है पूरे बगीचे के अंदर, तो वो प्रेशर थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, हर ड्रिपर से पानी कम निकलेगा, और वहाँ पे जो है पानी ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि वो खुला ओपनली निकल रहा है पानी, तो पानी ज़्यादा निकलेगा, तो इससे जो मैनेजमेंट है वो ख़राब होगा निश्चित रूप से। तो साथियों कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, जो भी आपका सुझाव हो कैसा लगा आपकी वीडियो उसके बारे में।